हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे डेली करंट अफेयर्स जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आपके आज के करंट अफेयर्स का फर्स्ट टॉपिक है 78th इंडिपेंडेंस डे। नाउ रिसेंटली 15th अगस्त था और हमने हमारा 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। इस इंडिपेंडेंस में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा ये इंडिपेंडेंस डे इनॉग्रेट किया गया और काफी सारी नई चीजें हमें जानने को मिला। इस इंडिपेंडेंस डे में हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी कई सारे प्रोग्राम्स, कई सारे एक्टिविटीज लेकर आए हैं। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, माई गवर्नमेंट ऐप है, इसके साथ मिलकर ये बहुत सारे नए वेरियस एक्टिविटीज लेकर आए थे, जैसे कि नेशन वाइड क्विज कॉम्पिटिशन, फिल्म मेकिंग कॉन्टेस्ट, पेट्रियोटिक ड्रेस कॉम्पिटिशन, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स। साथ में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कई सारे नई पॉलिसी स्कीम्स और आने वाले नई स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया है। हमारे देश को आगे कैसे लेके जाया जा सकता है, हमारे देश को कैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री की तरफ लेके जाया जा सकता है, इसके बारे में इन्होंने बातचीत की है। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के बारे में बातचीत की है और विकसित भारत के बारे में हम जब इन्होंने कहा है कि अगले कुछ सालों के अंदर, माने 2047 के अंदर, जब हमारे देश में 100th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, बाय दैट टाइम इंडिया विल बी अ डेवलप्ड नेशन। दैट इज व्हाट इज विकसित भारत। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में बहुत कई सारे नामी लोग भी आए हैं, कई सारे नामी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से लोग आए हैं, कई सारे नए एक्टिविटीज देखा गया है, कई सारी चीज प्रोग्राम्स हुए हैं और इस तरीके से इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हुआ है। हमारा जो सेकंड टॉपिक है आज का, वो है हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पता है तो हमारा जो आर्टिकल 44 है, इट टॉक्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन आवर नेशन। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, ये जरा जान लीजिए। आर्टिकल 44 कहता है कि इस देश में हर गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है। नाउ यहां पे जब मैं गवर्नमेंट या स्टेट की बात करती हूं तो इनका मतलब ये है, एनीबडी हु इज गवर्निंग द कंट्री कम्स अंडर द वर्ड गवर्नमेंट और स्टेट। सो इस देश में जो स्टेट है या गवर्नमेंट है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि आर्टिकल 44 के अनुसार भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर लेके आए। ना जैसे कि हम सबको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 44 आपके डीपीएसपी में आता है, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। ना डीपीएसपी इज बेसिकली नॉन एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जिसके कारण आर्टिकल 44 इम्प्लीमेंट हो ना हो, इट इज नॉट मैंडेटरी, बट कहीं ना कहीं टू रन अ वेलफेयर स्टेट, डीपीएसपी में आर्टिकल 44 की बात करते हैं। जब एक देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो हम जो आज के दिन में हम वेरी डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, जेंडर की बात करते हैं, ये बातें और आगे नहीं होगी। इसका मतलब ये है, ये एक वन नेशन एंड वन पीपल बन जाएगा और ना ही सिर्फ ये, गवर्नमेंट की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन में भी हम बदल जाएंगे। मतलब आगे चलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत हमारे पास कोई डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजियस पॉलिसीज नहीं होंगी, स्पेशल एक्ट्स नहीं बुलाया जाएगा, एनी पॉलिसीज, एनी लॉ, एनी काइंड ऑफ स्कीम्स दैट कम्स अप विद, इट विल बी इक्वलाइज और इट विल बी इक्वल फॉर एवरीबॉडी और एवरी सिटीजन सर्वाइविंग इन दिस कंट्री। दिस इज वॉट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। Now this is another one more thing. This is also another topic that has been discussed during the Independence Day celebration as well, जो कि हमारा last topic है which we were discussing. So Uniform Civil Code is a topic that has been discussed in this country for last many years. But yes, recently इसके बारे में discussion हुआ था आपके Independence Day celebration. चलिए आगे बढ़ते हुए हमारे तीसरे topic में, ना recently news में देखा गया है कि vultures, Indian vultures जो है, इनकी बहुत ज्यादा डिक्लाइनेशन हो रही है और जिसके कारण प्री मेच्योर मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा हो रही है। अब रीजन क्या है, बात यह है, जो इंडियन वल्चर्स होते हैं, इनका मेन काम होता है, जितने भी आपके आप कह सकते हो जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स जो मर जाते हैं, जो सड़ जाते हैं, इनको खाना, स्कैवेंज करना और हमारे एनवायरमेंट को डिजीज फ्री रखना।
कैरकेसेस, कैरकेसेस माने डेड एनिमल के जो हमारे जो बॉडीज होते हैं, जो सड़ी हुई जो लाशें होती हैं, इन्हें ये वल्चर्स का काम हम सबको पता है क्या होता है कि डेड एनिमल्स को, डेड बॉडीज को खाना, ठीक है। तो ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ वल्चर्स अब हमारे देश में हार्डली बहुत ही कम स्पीशीज ऑफ वल्चर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, जिसके कारण ये जो कैरकसेस है जो जब ये डिकम्पोज हो जाती हैं, ग्रेजुअली ये क्या करते हैं, ये डिजीज में कन्वर्ट होते हैं, वायरसेस में कन्वर्ट होते हैं, जिसके कारण हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा डिजीज की शुरुआत हो जाती है और इट रिजल्ट्स इनटू प्री मच्योर मोर्टैलिटी। So that's why there has been certain alarming situation जिसमें ये कहा गया है कि Indian vultures not only in India but also in our nearby countries like Pakistan, Nepal, South Asian कुछ countries में it has been seen that the vultures are been declining, जिसके due to which it has been also observed that premature mortality of human beings बहुत ज्यादा हो गई है। आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मंकी पॉक्स वायरस। आपने सुना ही होगा रिसेंटली मंकी पॉक्स वायरस कई जगहों पे बहुत ज्यादा न्यूज में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली मंकी पॉक्स वायरस को ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी के रूप में डिक्लेयर किया है एंड इट इज अ हाईएस्ट अलार्मिंग सिचुएशन एट दिस मोमेंट रिगार्डिंग एनी वायरस इन द वर्ल्ड। वेल मंकी पॉक्स वायरस अभी तक तो ये किसी पैंडेमिक में कन्वर्ट तो नहीं हुआ है, बट ऐसा कहा जाता है कि ये जो वायरस है इट बिलोंग्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ स्मॉल पॉक्स। हम सबको पता है कि स्मॉल पॉक्स कई साल पहले इट वॉज अ पैंडेमिक एक डिजीज था जिसके कारण कई लाखों लोगों की मौत हुई है दुनिया भर में, लेकिन किसी तरीके से हमने स्मॉल पॉक्स को खत्म किया है। बट ये जो मंकी पॉक्स है कहीं ना कहीं इट बिलोंग्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो दैट्स व्हाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली अलार्म्ड द पीपल ऑल ओवर द कंट्री टू बी प्रिकॉशन बेस पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए ताकि हम इस डिजीज से बच पाए। कहीं ना कहीं स्मॉल पॉक्स के आपके सिम्टम्स है फीवर, हेडेक, छोटे छोटे आपके जैसे कि हमारे चिकन पॉक्स में जैसे छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं शरीर में, ऐसे छोटे छोटे रेड कलर के आपको दाने दिख सकते हैं। सो दीज आर सर्टेन रैशेस जिसको हम कहते हैं, दीज आर सर्टेन सिम्टम्स और इन्फेक्शन आप कह सकते हैं आपके बॉडी में हो सकता है जो विच कैन टर्न इनटू मंकी पॉक्स वायरस। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे विल टॉक अबाउट श्री अरबिंदो घोष। सो ऑन 15th August 1872 श्री अरबिंदो घोष वॉज बॉर्न इन कैलकटा। His father, name of his father was Krishnadhan Ghosh and his mother was Swarnalata Devi. Now, Aravind Ghosh के बारे में हम सबको पता है, कहीं ना कहीं Aravind Ghosh was one of the major freedom struggle activists जिसके कजिन के कारण हमारे देश में कई सारे नई चीजें बनाई गई है। अरविंद घोष का नाम हम एक और चीज में लेते हैं जैसे कि इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम। जैसे कि हम सबको पता है कि ब्रिटिश जब हमारे देश में आए थे इन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की शुरुआत की। शुरुआत में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जब 1800 में आया था तब इंडियंस को अपियर करना तो अलाउड था, लेकिन इंडियंस को एक पोजीशन से ऊपर उनको प्रमोशन या उनको रिक्रूटमेंट नहीं किया जाता था। माने चाहे आपकी रैंक नंबर वन ही क्यों ना हो, आपको अगर आप सिविल सर्वेंट हो तो आपको डेप्यूटी कलेक्टर से ऊपर की पोस्ट नहीं मिलेगी। अगर आप किसी मिलिट्री में आपको पोजीशन मिला है तो आपको ज्यादा से ज्यादा एक सूबेदार की पोस्ट तक मिलेगी, उससे ऊपर नहीं मिलेगी। द रीजन देयर कैन बी मेनी रीजंस दैट द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू फॉलो, बट इंडियंस चाहे जितने भी अच्छा क्यों ना रैंक कर ले तो उनको एक पोजिशन से ऊपर रिक्रूटमेंट नहीं मिलता था। तो वैसे ही थे आप हमारे अरविंद घोष। वैसे तो उन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर कर लिया था लेकिन कहीं ना कहीं उनके कुछ टेस्ट में वो फेल हो गए थे, फिजिकल टेस्ट में वो फेल हो गए थे। बाद में एक बड़ौदा के एक स्टेट सर्विस एग्जाम में उनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन कुछ साल बाद उनके सिलेक्शन के कुछ सालों के बाद 1902 से लेकर 1910 तक श्री अरविंद घोष जो है उन्होंने अब एक्टिवली फ्रीडम स्ट्रगल पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। हम सबको पता है 1905 में हमारे देश में बंगाल पार्टीशन हुआ था जहां पे लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में भाग किया था, जिसमें से जिस समय हमारे देश में जो बंगाल राज्य है, बंगाल प्रेसिडेंसी के सभी लोगों ने इस डिसीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, उनमें से एक एक्टिविस्ट थे आपके अरविंद घोष।
अरविंद घोष हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो दो दल थे जिसमें जिनका नाम है एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट दल की जिनके बारे में हम जानते हैं, उनमें से एक्सट्रीमिस्ट दल के ये एक्टिव मेंबर थे। एक्सट्रीमिस्ट दल के अलग और भी मेंबर्स जैसे कि जिनको हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। सो उनके साथ ही एक और मेंबर थे अरविंद घोष। कुछ साल तक इन्होंने फ्रीडम फाइटर की तरह उन्होंने फाइट किया है ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ, लेकिन 1908 में उनकी अलीपुर बॉम्ब केस, हम सबको ये भी पता है अलीपुर में एक बॉम्ब केस हुआ था जिसमें कुछ इंडियन फ्रीडम रेवोल्यूशनरीज शामिल थे, उनमें से एक नाम अरविंद घोष जी के भी थे और उन्हें इस 1908 के इस एक्टिविटी के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद ये कहा जाता है कि अरविंद घोष ने पॉलिटिकल रिटायरमेंट ले लिया था। तो इसके साथ मैं हमारा ये आज का वीडियो खत्म करती हूँ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको हर रोज हमारे तरफ से करंट अफेयर्स के वीडियोस मिलेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।